हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम करने जा रहे हैं एप्लीकेशन ऑफ बायट सेवर्ट्स लॉ इन अ स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर। जैसे हमारे पास यहाँ पर वायर है और उसमें करंट फ्लो कर रहा है, स्ट्रेट करंट है और स्ट्रेट कंडक्टर है, तो हम किससे फाइंड करेंगे? हम थीटा के बेसिक से फाइंड करेंगे। तो हमें पता होना चाहिए, एप्लीकेशन में इसकी डेरिवेशन नहीं है हमारे सिलेबस में, तो हमें क्या पता होना चाहिए? जो हमारी बी होगी, बी इन द सेंस मैग्नेटिक फील्ड की जो वैल्यू होगी वो किसके इक्वल होगी? म्यू नॉट आई अपॉन में 4πr साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2। देखिए, जब भी हम अपोजिट डायरेक्शन यानी कि जब ऊपर की तरफ मेजर करेंगे तो थीटा हमारा 2 आएगा और नीचे मेजर करेंगे तो थीटा 1। अगर हम वायर को हॉरिजॉन्टल कर देते हैं वर्टिकल की जगह, तब हमारे को कोई दिक्कत नहीं होगी कि हम थीटा 1 थीटा 2 किसको लें। लेकिन वर्टिकल में आपको याद रखना है कि थीटा 2 ऊपर वाला लेंगे और थीटा 1 नीचे वाला लेंगे। आगे हम इसके क्वेश्चन करेंगे तो आपको और समझ आएगा। तो हमें क्या पता होता है? बी इज इक्वल टू म्यू नॉट आई, जहां पर आई क्या है? करंट इन वायर। आर क्या है? परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट ऑफ द वायर। देखिए, परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, इसको हम आर कहेंगे। म्यू नॉट परमेबिलिटी होती है और 4πr आपको पता ही है, और साइन थीटा 1 साइन थीटा 2 हमें क्वेश्चन में गिवन हो गए। ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसको अपने शॉर्ट नोट में जरूर लिखना, और अगर आपको समझ आए तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोज। थैंक यू।